वेलकम टू स्टडी जोन। आज है 5 अगस्त 2018। इस वीडियो में मैं आपसे 5 अगस्त 2018 के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट में मैं आपसे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, हिंदी बोलने वाले विश्व के पहले रोबोट का क्या नाम है? तो इसमें आंसर आएगा, हिंदी बोलने वाले विश्व के पहले रोबोट का नाम है रश्मि, और इसका विकास रांची के सॉफ्टवेयर डेवलपर रंजीत श्रीवास्तव कर रहे हैं। इसके अलावा यह रोबोट भोजपुरी, मराठी और अंग्रेजी भाषा भी बोल सकता है। ऑप्शनों में आपका एक ऑप्शन है सोफिया। सोफिया भी हाल ही में न्यूज में था, क्योंकि सोफिया किसी भी देश की नागरिकता पाने वाला पहला रोबोट है। अगर आपका क्वेश्चन है कि सोफिया को किस देश ने नागरिकता दी है, तो आपका आंसर होगा सोफिया को सऊदी अरब ने नागरिकता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस का कनेक्शन देने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है? तो इसमें आंसर आएगा 5 करोड़ परिवारों को। और इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को एक रसोई गैस सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर बिना किसी दाम के उपलब्ध कराया जाता है। अगर आपका क्वेश्चन आए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा LPG कनेक्शन दिए गए, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में, और इसके बाद पश्चिम बंगाल, और उसके बाद बिहार का नंबर आता है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सबसे पहले मई 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। और उज्ज्वला योजना देश के 715 जिलों में चलाई गई थी, और सरकार ने इस योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम ऐप या रुपए कार्ड से पेमेंट करने पर GST में कितनी छूट मिलेगी? तो इसमें आंसर आएगा, भीम ऐप या रुपए कार्ड से सामान खरीदने पर 20% या अधिकतम 100 रुपये की छूट मिलेगी, और यह छूट केवल GST पर मिलेगी। और यह फैसला GST काउंसिल की 29वीं बैठक के बाद लिया गया है, और फिलहाल वित्त मंत्री का प्रभार देख रहे हैं पीयूष गोयल, और इससे राजस्व पर 1,000 करोड़ रुपए का सालाना अतिरिक्त भार पड़ेगा। इससे पहली बैठक 28वीं बैठक थी, जिसमें सरकार ने चीनी सेस, बंबू फ्लोरिंग, सैनिटरी नैपकिन समेत कई मुद्दों पर बड़े फैसले लिए थे, और सरकार ने सैनिटरी नैपकिन को GST से बाहर कर दिया था। और GST की अगली बैठक होगी 29 से 30 सितंबर को गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के प्रोफेसर चंद्रमोहन को किस बीमारी के संबंध में खोज करने पर 20 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, चंद्रमोहन और ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के उनके दो सहकर्मियों ह्यूंग रॉय और लिली क्रॉज को पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ल्यूपस के अधिक होने के संबंध में खोज करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की ओर से 20 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। नेक्स्ट आता है, ल्यूपस बीमारी है क्या? ल्यूपस एक ऐसी बीमारी है जिसमें त्वचा पर सूजन आ जाती है और प्रतिरोधक क्षमता अपने ही स्वस्थ उत्कों पर हमला कर देती है। ल्यूपस हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करने वाली बीमारी है, जिसके बाद कई बीमारियां शरीर को घेर लेती है, और इसके चलते जोड़ों से लेकर त्वचा, किडनी, रक्त कोशिकाओं, दिमाग, हृदय और फेफड़ों तक असर पहुंचता है। इसमें आपका नेक्स्ट ऑप्शन है निपा वायरस। निपा वायरस हाल ही में भारत के केरल राज्य में फैला था, और यह वायरस चमगादड़ों से फैला था, यानी बैट से फैला था। नेक्स्ट ऑप्शन है बोम्बाली वायरस। बोम्बाली वायरस सेरा लियोन के उत्तरी क्षेत्र के बोम्बाली डिस्ट्रिक्ट में फैला है, और यह वायरस भी चमगादड़ों से फैला है, और सेरा लियोन अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोरनी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य में। हॉर्न बजाने से न केवल अनावश्यक ध्वनि प्रदूषण होता है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही हानिकारक होता है। और शोरनी मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायतें उपायुक्त, पुलिस अध्यक्ष और उपमंडल पुलिस अधिकारियों को तुरंत भेजी जाएंगी। यह ऐप अधिकारियों को घटनास्थल की जानकारी GPS के माध्यम से उपलब्ध करवाएगी। और हिमाचल प्रदेश में नो हॉर्न अभियान की भी शुरुआत की गई है,
और शुरुआत में यह शिमला और मनाली में शुरू किया गया है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक राज्य है और हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की कंपनी ने गाय के गोबर से सेलुलोज अलग कर उससे एक फैशनेबल ड्रेस बनाने का तरीका निकाला है? तो इसमें आंसर आएगा नीदरलैंड की एक कंपनी ने, और इस कंपनी को बायो आर्ट एक्सपर्ट जलीला एसआईडी चलाती है, और उनके इस इनोवेशन को 2 लाख डॉलर करीब 1.40 करोड़ रुपए का चिवाज वेचर एंड एच एंड एम फाउंडेशन ग्लोबल अवार्ड भी मिल चुका है। एसआईडी 15 किसानों के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। उन्होंने बताया सेलुलोज बनाने की प्रक्रिया केमिकल और मैकेनिकल है, और जो गोबर और गौमूत्र मिलता है उसमें 80% पानी होता है। पहले स्टेज में गोबर और गौमूत्र से गीले और सूखे हिस्से को अलग किया जाता है। गीले हिस्से के सॉल्वेट से सेलुलोज बनाने के लिए फर्मेंटेशन होता है, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा घास और मक्के का है जो कि गाय खाती है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रक्रिया से मिला सेलुलोज हाई टेक्निक वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने कहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रॉकेट लॉन्चर तैनात करने की तैयारी शुरू की है? तो इसमें आंसर आएगा तिब्बत में। और चीन द्वारा विकसित की जा रही यह आर्टिलरी पहाड़ी इलाकों में कई किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को निशाना बनाने में सक्षम है, और चीन द्वारा कब्जा किए गए तिब्बत से भारत की बहुत ही लंबी सीमा लगती है, और ऐसे में यह भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन यानी STA-1 पाने वाला दक्षिण एशिया का इकलौता राष्ट्र कौन सा बना है? तो इसमें आंसर आएगा भारत। अगर आपसे एशिया का पूछा जाए तो एशिया का भारत तीसरा देश बना है। इसके अलावा जापान और साउथ कोरिया को यह दर्जा मिल चुका है। अमेरिका ने 2016 में भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दी थी, और इसके बाद अब 20 साल अमेरिका द्वारा भारत को STA-1 का दर्जा दिया गया है। वैसे देखा जाए तो अमेरिका केवल उन्हीं देशों को एसटीए लिस्ट में शामिल करता है जो 4 निर्यात नियंत्रण तंत्र का सदस्य होते हैं, जैसे कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, वासेनर अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इनमें से भारत 3 का तो सदस्य है, लेकिन भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य नहीं है, क्योंकि चीन ऐसा करने से बार बार भारत को रोक देता है। यह दर्जा अमेरिका द्वारा नाटो सदस्य को दिया जाता है। भारत के लिए यह दर्जा इसलिए भी बहुत ही खास है क्योंकि वह न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD का प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? तो इसमें आंसर आएगा भारत को, और यह 2 वर्ष के लिए चुना गया है, और इसकी 44th एनुअल गैदरिंग कोलंबो श्रीलंका में हुई है, और डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एफ शेरार को चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ AIBD चुना गया है। AIBD की स्थापना 1977 में की गई थी, और इसका सचिवालय है कोला लुमपुर में, जो मलेशिया की कैपिटल है। आपको AIBD की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, पेपर्स में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो AIBD की फुल फॉर्म रहेगी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन गर्ल हिमा दास को किस कंपनी ने 20 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की है? तो इसमें आंसर आएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। हिमा दास ने पिछले महीने फिनलैंड में IAAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ट्रैक एवं फील्ड की 400 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था, और वह ऐसा करने वाली देश की पहली महिला धावक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की 8वीं महिला न्यायाधीश कौन होंगी? तो इसमें आंसर आएगा इंदिरा बनर्जी। 68 साल के इतिहास में अभी तक सुप्रीम कोर्ट की केवल 7 ही महिला जज रही हैं, और इंदिरा बनर्जी
सुप्रीम कोर्ट की 8वीं महिला न्यायाधीश होंगी और 68 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 3 महिला न्यायाधीश हों। और इंदिरा बनर्जी के अलावा सुप्रीम कोर्ट में आर बानुमाती और इंदु मल्होत्रा भी कार्यरत होंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो आपका आंसर होगा फातिमा बीबी, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, उसके संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? आपका पहला पॉइंट है, इसका परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, यह परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। नेक्स्ट है, यह एक अंत वायुमंडलीय मिसाइल है। और नेक्स्ट है, उपयोग सभी सही है, तो आपके ये तीनों पॉइंट ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। और उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर एडवांस एरिया डिफेंस का सफल परीक्षण किया है। और यह मिसाइल 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन की तरफ से आने वाली मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम है। इस इंटरसेप्टर में नौवहन प्रणाली, एक हाईटेक कंप्यूटर और विद्युत यांत्रिकी उत्प्रेरक लगे हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल का अपना खुद का मोबाइल लॉन्चर होता है। इसके अलावा समतल ट्रैकिंग क्षमता होती है। इसमें अत्याधुनिक रडार होता है। इंटरसेप्शन के लिए सुरक्षित डाटा लिंक भी होता है। इंटरसेप्टर एक उन्नत वायु रक्षा मिसाइल है, जिसे अभी तक कोई भी औपचारिक नाम नहीं दिया गया है। और हाल ही में इससे पहले 16 जुलाई को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। और इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वायुसेना प्रमुख कौन है? वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल BS धनोआ। जैसा कि आप मैप में रेड कलर का मार्क देख रहे हैं, यहीं पर है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। विलर द्वीप का ही नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और विलर द्वीप या APJ अब्दुल कलाम द्वीप भारतीय राज्य ओडिशा के सागर तट से और भारत ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और विलर द्वीप का प्रयोग भारत अपने मिसाइल कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। और आपको रिवाइज करते रहना है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य के लिए कनेक्टिविटी नामक एक योजना की शुरुआत की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें आंसर आएगा, इसका उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों को सरकारी अस्पतालों से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हील ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें आंसर आएगा, इस पुस्तक के लेखक है वीरप्पा मोइली। और वीरप्पा मोइली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और ये कर्नाटक के चिकबलपुर चुनाव क्षेत्र से लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छमेव जयते नामक अभियान की शुरुआत की है? तो इसमें आंसर आएगा, इस अभियान की शुरुआत कर्नाटक राज्य के द्वारा की गई है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, कर्नाटक भारत के दक्षिण में स्थित एक राज्य है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री है HD कुमार स्वामी और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और यहाँ की राजभाषा कन्नड़ और कर्नाटक के राज्यपाल है वेजुभाई वाला। कर्नाटक राज्य से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में है और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा गुंबद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हाल ही में 3 देशों के दौरे पर है, इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। तो इसमें आंसर आएगा, इनमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। और सुषमा स्वराज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के दौरे पर गई हुई है। अगर कोई भी कंट्री का नाम आता है तो उसकी मैप पर क्या पोजीशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे कजाकिस्तान यूरेशिया में स्थित एक देश है और कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना और इसकी मुद्रा है तेंगे। और किर्गिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक देश है और उज्बेकिस्तान भी मध्य एशिया में स्थित है और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और इसकी मुद्रा है सोम। और नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और इसकी मुद्रा है
उज्बेकिस्तानी सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किस विधेयक से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा 123वां संवैधानिक संशोधन पिछड़ा वर्ग के लिए संवैधानिक स्थिति राष्ट्रीय आयोग प्रदान करना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के संबंधित संविधान संशोधन विधेयक 2017 को लोकसभा ने 2 अगस्त 2018 को 2/3 से अधिक बहुमत के साथ सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 683 निजी एफएम रेडियो आवृत्तियों की नीलामी में किस भारतीय संघ क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया? तो इसमें आंसर आएगा सरकार ने 236 शहरों में 683 निजी एफएम रेडियो चैनलों की ई नीलामी को मंजूरी दे दी है। निजी एफएम रेडियो आवृत्तियों की नीलामी में दादरा नगर हवेली भारतीय संघ क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 25,000 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन असुरक्षित ऋण के लिए किस भारतीय बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसमें आंसर आएगा भारतीय स्टेट बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा साथी नामक योजना की शुरुआत की गई है? तो इसमें आंसर आएगा इस योजना की शुरुआत कपड़ा मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय दोनों के द्वारा की गई है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। क्विज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1 अगस्त 1887, 2 अगस्त 1886, 3 अगस्त 1886 और 4 अगस्त 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के किस शख्सियत को गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार फील्ड मेडल पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शन है अक्षय, वेंकटेश, भरत वटवानी, सोनम वांगचुक और मंजुल भार्गव। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करें। और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।